जो राजनीति वर्तमान परिदृश्य में राजस्थान में चल रही है वो जनता के हित की नहीं है। जो मुद्दे चुनावी माहौल में जनता से किए जाते हैं, मैं समझता हूं इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो अपनी सत्ता बचाने के लिए ये समय निकाल दिया। बीजेपी की बात अलग है, उनके कई ग्रुप है, और भारतीय जनता पार्टी आरोप तो लगा सकती है लेकिन कार्यकाल उनका भी सही होगा। कांग्रेस का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो माहौल चल रहा है, वर्करों की, मैं जाता हूं प्रत्येक जिले में जाता हूं, तहसील स्तर पर मेरा संगठन है, मैं राजनीति में नहीं हूं, लेकिन हर व्यक्ति का राजनीति से वास्ता पड़ता है क्योंकि हम भी सोशल वर्कर है, हमें भी कई काम कराने पड़ते। लेकिन जी पिछले जो 4 साल का गहलोत साहब का कार्यकाल है, गहलोत साहब के कार्यकाल ने पीछे जो इनका 2 शासन था उनको धूल दिया। उनकी जो छवि थी एक गांधीवादी नेता की, एक विकासशील नेता की, वो छवि इस बार गहलोत साहब की राजस्थान में नजर नहीं। जो विधायक है, चाहे वो निर्दलीय है, चाहे कांग्रेस के हैं या चाहे दूसरे, गहलोत साहब ने सरकार बचाने के लिए जिस प्रकार अधिकारियों को आगे किया और जो लाल फीताशाही के हाथ में सत्ता आई, उससे पब्लिक बहुत निराश है। राहुल गांधी जी किसानों से वादा करके गए थे किसानों का जो कर्जा था माफ करने का, मैं समझता हूं कि वो आधा अधूरा पूरा हुआ है। जो बेरोजगारों को इन्होंने भत्ता देने की बात की थी, वो भी 10% जो बेरोजगार है शिक्षित, तो उनको भत्ता नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके हाथ में कांग्रेस की कमान सही नहीं, इसलिए कांग्रेस का जो वर्कर है वो भी बहुत निराश है। और हकीकत से देखा जाए तो जिन लोगों ने संघर्ष किया और इस कांग्रेस को शासन में लेके आए, क्योंकि गहलोत साहब आज श्रेय भले ही ले ले, लेकिन गहलोत साहब 100 से 21 पे ले आए, 100 से 42 43 पे ले आए, तो गहलोत साहब की सत्ता नहीं है। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था उसके खिलाफ इस प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था, और निश्चित रूप से सचिन पायलट जैसे जो युवा थे उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। लोगों को यूं आशा लगी थी कि कोई किसान का बेटा और कोई युवा ऊर्जावान व्यक्ति है जिसके मन में दर्द है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, जनता के प्रति, जो दलित जो लोग है, DNP के जो लोग है, तो एक युवा जरूर उसको सपना पूरा करेगा। लेकिन जो जनता का सपना था वो तो अधूरा रह ही रहा। लेकिन जो राजनीति में जो लोग बैठे थे, जो वादा करके सत्ता में आए थे, उनका भी मैं समझता हूँ कि वादा अधूरा रहा।